मनुष्य समाज को बनाता है और समाज मनुष्य को। लेकिन समाज को बनाने की सबसे पहली प्रक्रिया मनुष्य ने स्वयं शुरू की। मनुष्य का व्यक्तिगत विकास उसकी अनुवांशिक ढांचे, सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत प्रयास आदि पर निर्भर होता है। परंतु क्या विज्ञान इस बात की पुष्टि कर सकता है कि आपका मानसिक और शारीरिक परिवेश जीवन में आपको किस दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत है? ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक तरीके से देता है, जिसके अनुसार विज्ञान यह जानने में सक्षम है कि आपकी बौद्धिक संरचना आपको जीवन में किस दिशा में लेकर जाएगी। फोल्डी ब्रेन एनालिसिस एक ऐसी नई तकनीक जिसके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निवारण आसानी से किया जा सकता है। आज का युवा हमारे देश के लिए कल का भविष्य है, लेकिन समाज के बदलते परिवेश में आज का युवा निराशा और तनाव से जूझ रहा है, जो एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या होने के साथ ही कई सारे शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म देता है। आत्महत्या और अपराध के साथ साथ सही करियर का चुनाव नहीं कर पाना भी मानसिक समस्या का एक रूप है। लेकिन यह समस्या केवल युवाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उम्र के हर वर्ग में फैल रहा है, जिसे ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पेटेंट कराए गए 4D ब्रेन एनालिसिस तकनीक का प्रयोग करके इलाज किया जाता है। इसके साथ ही इस तकनीक का प्रयोग करके यह भी पता लगाया जाता है कि कोई भी इंसान किस प्रतिभा के साथ जन्मा है। कोई व्यक्ति संगीत में रुचि रखता है, कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग माइंड का होता है, कोई व्यक्ति ड्राइविंग के अंदर एक्सपर्ट होता है, किसी को घूमने का शौक है। BBRFI की जो टीम है, जो टेस्ट है, ये हमारे 4D एनालिसिस हैं, उससे आपको एग्जैक्ट पता लग सकता है कि बच्चे के अंदर इनबॉर्न टैलेंट क्या है, उसको किस लाइन में जाना चाहिए। हम पेरेंट्स को ये गाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स को ये एडवाइस है कि वो इस टेस्ट को ज़रूर करवाएं, जिससे कि अपने बच्चे का भविष्य, सुनहरा भविष्य वो लिख पाएं। दिल्ली दिलवालों का शहर, और यही बसता है हमारा ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया। December 12, 2014 जहां से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, वो सफर जिसका ख्वाब डॉक्टर आलोक मिश्रा जी ने वर्षों पहले देखा था। मैं आगे चल करके बायो पढ़ना चाहता था, ऐसी बात मेरे पास कोई ऐसा कोई डॉक्टर होता मेरे लिए तो एक उद्देश्य बन चुका था कि मुझे ऐसी चीज तलाशनी जिससे कि हम कम से कम युवा और बच्चों में जो मैंने महसूस किया है, जो पेन देखा है, जो कम से कम आने वाले युवा बच्चों के मन में ऐसा कुछ ना बन पाए कि वो उनके पास अपने दिल की आवाज़ रखने का या अपनी क्षमता को पहचानने का कोई टूल ना हो। अपने पूरी टीम बनी जिसमें हमने युवाओं से समय दान मांगा, और जब हमने हज़ारों हज़ार का जब हमने टेस्ट कर लिया तो ये इसको फिर हमने 17 में से हम लोग ने पेटेंट के लिए मूव किया। 4D एनालिसिस मॉडल एक युवा के मन में कन्फ्यूजन की अवस्था है तो वो कन्फ्यूजन सिर्फ उसके कैरियर को अफेक्टेड नहीं करता। अगर आप राइट दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, जो वाकई आपकी क्षमता है, अगर वो अपने अभिरुचि में नहीं है तो आपको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होने की पूरी संभावना है। फिर डॉक्टर मीना मिश्रा ने जिन्हें जो है वो उन्होंने अपनी वो अपनी कैंसर प्रैक्टिस वो करते रहे, साथ में इसमें जब देखा कि इसमें किस प्रकार आयाम बन रहा है तो उन्होंने अपनी जॉब से छुट्टी लेकर के वो फिर फुल टाइम इसमें इन्वॉल्व होने की। उनका भी सपना क्या है? सपना वो है जो मैंने देखा है, आपने देखा है, सड़क पे चलते हुए एक आम इंसान ने देखा है, राजगद्दी पे बैठे हुए एक राजा ने देखा है। सपना वो है जो आपको सोने नहीं देगा, और ऐसा ही एक सपना देखा था डॉक्टर आलोक कुमार मिश्रा ने, जिसमें वो चाहते थे कि हम बच्चों को उनके काबिलियत की सही जानकारी दे सकें, जिससे उनके कन्फ्यूजन और डिप्रेशन जैसी चीज़ें उनके ज़िंदगी में कभी आई ही ना। और इसलिए स्थापना हुई ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया की, जिसको अब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी और इस संस्था के आगे काम को बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे मिली है, और मेरा ये सपना है
कि मैं इस काम को आगे बढ़ाते हुए इसे देश के हर उस बच्चे तक पहुंचाऊं जो परेशान है, जो मायूस है, जो कंफ्यूज्ड है, जो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं बना किस लिए हूँ, कर कुछ और रहा है, करना चाहता कुछ और है और काबिलियत कुछ और है। जब मुझे पता है कि मैं इस काम के लिए बना हूँ और इस काम को मैं अच्छे से कर सकता हूँ और साइंटिफिकली कोई प्रूव भी कर दे कि यस यू आर मेड फॉर दिस वर्क ओनली, तो मैं उस काम को और ज्यादा दृढ़ता से और ज्यादा मोटिवेशन से करूँगा। कि लोग जिस टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं अगर उस टैलेंट का उपयोग करके अपने करियर को चुने तो बहुत जल्दी सफलता उनको मिलती है और खुश भी रहते हैं। BBRFI एक ऐसी संस्था जो लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का और दृढ़ संकल्प पैदा करने का जो काम कर रही है वो तारीफ़ के काबिल है। आज की निराशापूर्ण जिंदगी में ऐसी संस्था की ज़रूरत हर इंसान और हर व्यक्ति को है।